तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ सैमसंग का जो गुडलक ऐप होता है दोस्तों, आपको पता होगा गुडलक ऐप होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐप्स को दिया जाता है जिससे आप अपने मोबाइल को बहुत अच्छे से और या फिर कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके अंदर एक ऐप होता है जिसका नाम है मल्टी स्टार दोस्तों। उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, आगे उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की गुडलक ऐप में, या आपके पास इंस्टॉल होगी, अगर नहीं है तो आपको गैलेक्सी स्टोर मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल के गुडलक ऐप में जाना है। गुडलक ऐप में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक बॉडी मिलता है मल्टी स्टार। अगर आपके पास डाउनलोड होगा तो आपको यहाँ नीचे एन का साइन दिख रहा होगा, आप दिख रहे होंगे यहाँ पर एन का साइन दिख रहा है, मतलब कि कुछ नया इसमें अपडेट आया है। और अगर आप यहाँ नॉर्मल करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस पर क्लिक करूंगा एन पे, और वो ऑटोमेटिक आपको आपके गैलेक्सी स्टोर पर ले जाएगा। गैलेक्सी स्टोर पर जाके देखेंगे ये यहाँ पर एक नया अपडेट आया है, यहाँ पर एक नया अपडेट आया और उसमें क्या किया गया है, बग फिक्स टू क्विक लॉन्च ऑफ द मल्टी विंडो, ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है। और नीचे की तरफ आएंगे तो ये 4 जुलाई को ये अपडेट को रोल आउट किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ अपडेट। अपडेट करने के बाद दोस्तों बताऊंगा कि क्विक लॉन्च क्या होता है, उसको कैसे यूज करेंगे और एक्चुअल में उसके आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सैमसंग से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारी और भी सैमसंग रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो सैमसंग की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये अपडेट हो गया। अपडेट करने के बाद वापस मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर गुडलक ऐप में। तो गुडलक ऐप में जाने के बाद आप देखेंगे आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप जाएंगे मल्टी स्टार में, तो सबसे ऊपर ही आपको मिल रहा है क्विक लॉन्च ऑफ द मल्टी विंडो, जहाँ की नया अपडेट इसी से रिलेटेड है कि जो भी बग्स थे क्विक लॉन्च ऑफ द मल्टी विंडो, ये यहाँ पर क्लियर कर दिए गए। अब इसको यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर आप दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू एंड ओपन इन पॉपअप व्यू। तो कैसे यूज करेंगे वो आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शन है, अब मुझे मान लो मुझे इसको स्प्लिट स्क्रीन व्यू में करना है, तो मैं यहाँ पर रिसेंटली को दबा के रखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन व्यू में तुरंत ही ये खुल चुका है, आप देख रहे हैं, मुझे कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ी और सीधा ही यहाँ पर ये ओपन हो गया। तो ये होता है क्विक लॉन्च वाला, क्विक लॉन्च मेन्यू। और ऐसे ही अगर आपको पॉपअप व्यू में करना है तो आप यहाँ पर पे क्लिक कर दीजिए, और कोई भी ऐप में हो आप सिंपल छोड़ दीजिए, इसको प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो पॉपअप व्यू में ओपन हो जाएगा। बहुत ही शानदार ये फीचर है। आप कोई भी ऐप में होंगे, लाइक मैं यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में हूँ, मुझे इसको फट से स्पीड स्क्रीन में करना है या पॉपअप व्यू में करना है, जहाँ भी आपने सेलेक्ट करके रखा आप थोड़ी देर रिसेंट वाला जो की है इसको यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे, वो ऑटोमेटिक उसमें ओपन हो जाएगी जो भी आपने वहाँ पर सेट करके रखा होगा। तो बहुत ही शानदार। अगर कोई दूसरा ऐप भी आप खोलेंगे तो भी आप यूँ प्रेस करके रखेंगे तो भी वो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो मुझे तो यार ये जो फीचर है बहुत पहले से ही पसंद था, अब इस अपडेट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें जो भी कुछ बग्स थे उसको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दिया गया है और अच्छे से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। अगर आपको पॉपअप व्यू नहीं चाहिए, आप इसको स्प्लिट स्क्रीन व्यू में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आइए गुडलक ऐप में। गुडलक ऐप में आने के बाद आप यहाँ पर मल्टी स्टार में जाइए। मल्टी स्टार में जाने के बाद आपको यहाँ पर ओपन स्प्लिट स्क्रीन व्यू पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप कोई सी भी ऐप को यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप इजीली इसको मल्टी स्क्रीन व्यू में खोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन में खोल सकते हैं और इजीली कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इसके फीचर्स जानना है कि इस मल्टी स्टार में आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी कुछ कमी तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मैं डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके ही पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।